हाय गाइस, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल KCI टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। खासकर ये वीडियो बनाने का एक मेन मोटिव है कि हमारे पास कई सारे कमेंट्स आए हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आप बेसिक के सारे शॉर्टकट्स को आप कवर कर लें, जिससे हम लोग एक ही वीडियो में सारे शॉर्टकट्स को तैयार कर ले जाएं। तो हाँ, ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है। इसमें मैंने कंप्लीट बेसिक के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स को कवर किया हुआ है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप कंप्यूटर को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मीन्स बिना माउस को टच किए आप कीबोर्ड के माध्यम से सारा काम अपना कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं कंप्यूटर सेक्टर में किसी भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप कंप्यूटर हैंडलिंग करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है और आप अपने काम को बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं। बिकॉज इस वीडियो में मैंने कीबोर्ड के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स जो कि बेसिक से रिलेटेड हैं, उनका एक कलेक्शन प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं और एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप सारे शॉर्टकट्स को डिस्क्राइब करूंगा आपको और उसके बारे में बताऊंगा और उसको आप कैसे यूज करेंगे वो सारा कुछ मैं आज इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को ले चलूं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ये जो चैनल है आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को लाता है और इस चैनल पर आप फ्री कंप्यूटर क्लासेस को प्राप्त करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, यदि नहीं किया है तो इग्नोर नहीं करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास जिसे ये फ्री क्लासेस उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और आज की वीडियो जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर है। और आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप कंप्लीट बेसिक वर्क शॉर्टकट्स के माध्यम से अपने वर्क को काफ़ी स्मार्ट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कीबोर्ड शॉर्टकट्स को हम समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज फॉर कंप्यूटर बेसिक स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब ये जो शॉर्टकट्स हैं बेसिक वर्क के लिए हैं और ये आपके वर्क को काफ़ी स्मार्ट कर देंगे अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और ये शॉर्टकट्स को आप तैयार कर लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। चलिए आगे हम एक एक शॉर्टकट्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन विंडो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, इसमें हम आपको मेन विंडो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उसको बताएंगे। अगर ये शॉर्टकट्स आपको मालूम है तो आप काफ़ी स्मार्ट तरीके से कंप्यूटर हैंडलिंग कर पाएंगे। तो मेन विंडो, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया है, मेन विंडो हम किसको कहते हैं, जो हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने के बाद जहां पर आपका डेस्कटॉप आइकन्स एंड टास्क बार दिखता है उसको हम मेन विंडो कहते हैं। तो मेन विंडो के शॉर्टकट्स हम पहले देख लेंगे जिससे आपका वर्क काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका विंडो प्लस डी। विंडो बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, अगर आप ध्यान देंगे तो स्टार्ट आपका जो टास्क बार होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है, उसके बगल में जो सिंबल होता है वैसा ही सिंबल कीबोर्ड पर होता है जिसे हम विंडो की कहते हैं। तो विंडो के साथ हम डी प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है आपका मेन विंडो, रिफ्रेश हो जाता है। मेन विंडो को रिफ्रेश करना है तो F5 करके भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है रिफ्रेश करने से। रिफ्रेश कर देते हैं तो हमारा डी रैम एक्टिवेटेड हो जाता है। तो रिफ्रेश करना है तो विंडोज़ प्लस डी को हम प्रेस करते हैं तो हमारा मेन विंडो रिफ्रेश हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें विंडो प्लस एस, यदि हम विंडो के साथ यस प्रेस कर देते हैं तो सर्च का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, फिर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने मेन विंडो से ही। नेक्स्ट आप देखें विंडो प्लस आर, यदि हम विंडो के साथ आर को प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स, आपका रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां हम किसी भी प्रोग्राम को लिख करके रन करा सकते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो हम रन डायलॉग बॉक्स में लिखते हैं और रन होकर के, मतलब ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विंडो बटन, विंडो बटन हम प्रेस कर देते हैं तो स्टार्ट पॉपअप ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है जहाँ से आप किसी भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। यदि हम विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस एक साथ प्रेस कर देते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे कंप्यूटर में भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे कीबोर्ड पर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, वहाँ से डायरेक्टली हम स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं, मीन्स वो कॉपी हो जाता है, फिर हम किसी भी
एप्लीकेशन में उसको पेस्ट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस करते हैं, उस आपके विंडो जो भी विंडो ओपन होगी उसका डायरेक्ट हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विंडो प्लस एल, ये विंडो के साथ हम एल प्रेस कर देते हैं तो हमारा विंडो लॉग ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विंडो प्लस ए, यदि हम विंडो के साथ ए प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडो प्लस एन, यदि विंडो के साथ एन प्रेस किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यदि आपके पास एमएस ऑफिस पैकेज इंस्टॉल्ड है तो मैंने एमएस ऑफिस वाले वीडियो में जिसमें मैंने इंट्रो दिया था उसमें मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस सुइट के अंतर्गत एक उसका एप्लीकेशन होता है एमएस ऑफिस वन नोट, जहाँ से हम कोई भी नोट लिख सकते हैं। नोट लिखने के लिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट ओपन होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडो प्लस ई, यदि विंडो के साथ हम ई प्रेस करते हैं तो फाइल को एक्सप्लोर जहाँ से हम करते हैं ओपन करते हैं उसका कंप्लीट ब्राउज होकर के आ जाता है, कंप्लीट पाथ आपको शो करने लगता है, तो फाइल एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विंडो प्लस आई, यदि विंडो के साथ हम आई प्रेस करते हैं तो विंडोज की सेटिंग मीन्स कंट्रोल पैनल ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विंडो प्लस टी, अगर हम करते हैं तो जो भी आइकन आपका डेस्कटॉप का है उसको सेलेक्ट हम कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्टली टैब बटन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें टैब ना प्रेस करना चाहें तो विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे तो टैब के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा, आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं F1, यदि हम मेन विंडो पर F1 प्रेस करते हैं तो गेट हेल्प, हमें हेल्प प्राप्त करने के लिए डायलॉग बॉक्स हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है। वैसे F1 एक यूनिक शॉर्टकट है, किसी भी एप्लीकेशन में आप हैं तो F1 प्रेस कर देंगे तो आपको हेल्प का डायलॉग बॉक्स प्रेषित हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, अभी मैंने आपको बताया कि हम विंडो डी के साथ तो मेन विंडो को रिफ्रेश करते ही करते हैं, F5 प्रेस करके भी हम डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे नोटपैड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स, नोटपैड से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आप देखें अल्ट प्लस स्पेस, यदि हम अल्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो कंट्रोल मीनू बॉक्स आ जाता है, कंट्रोल मीनू बॉक्स में कुल 6 ऑप्शन होते हैं, आपका रिस्टोर होता है, मूव होता है, साइज होता है, मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है एंड क्लोज। यहाँ से हम कंप्लीट कंट्रोलिंग कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आप देखें अल्ट प्लस F4, यदि हम अल्ट प्लस F4 करते हैं तो आपका जो नोटपैड एप्लीकेशन है क्लोज हो जाएगा, मीन्स एग्जिट कर जाएंगे हम एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस N, ये बहुत ही यूनिक शॉर्टकट है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपको न्यू फाइल लेने के लिए कंट्रोल N शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम न्यू विंडो लेना चाहते हैं नोटपैड में तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस N हम प्रेस कर दें, न्यू फाइल लेना मतलब हमारा जो एप्लीकेशन ओपन है वो उसमें एक नया पेज आ जाता है, और अगर हम न्यू विंडो लेना चाहते हैं तो नोटपैड का एक विंडो आपके सामने और प्रेजेंट हो जाता है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल O करने पर ओपन होता है, अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल O करके हम ओपन फाइल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस S, ये सब यूनिक शॉर्टकट्स हैं, ये मैक्सिमम एप्लीकेशंस में आपको सेम मिलेंगे। कंट्रोल प्लस S, फाइल को सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ यस प्रेस करेंगे, फाइल सेव होने के लिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, यदि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S प्रेस कर देते हैं तो सेव एस, फाइल सेव एस करने के लिए आ जाएगा, मतलब सेव्ड फाइल को हम दोबारा नेम चेंज करके लोकेशन चेंज करके हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस P, फाइल को प्रिंट करना है तो कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कंट्रोल के साथ हम जेड प्रेस करते हैं तो अंडू, कोई भी डिलीटेड मैटर है या जो भी आपने किया हुआ है उसको अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो जो सेलेक्टेड मैटर होगा वो कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी, यदि हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, ये भी यूनिक शॉर्टकट है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपको कट कॉपी पेस्ट इन सब का शॉर्टकट सेम मिलता है। कंट्रोल प्लस वी, यदि हमें पेस्ट करना है कोई भी कॉपी किया हुआ मैटर या कट किया हुआ मैटर अलग लोकेशन में हमें चिपकाना है तो हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी प्रेस करते हैं।
कंट्रोल प्लस एफ, यदि आपके फाइल में कोई भी वर्ड है, कैरेक्टर है, बार बार रिपीट हो रहा है और उसे आप फाइंड करना चाहते हैं कि कितने टाइम में रिपीट हुआ है, तो कंट्रोल एफ करके हम फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यदि हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो जो फाइंड मैटर होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसके स्थान पर हम दूसरा कुछ प्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी करते हैं तो फिर हम गो टू कर सकते हैं, नोटपैड में गो टू करके हम अलग अलग लाइनों पर जाते हैं। नेक्स्ट देखें आप कंट्रोल प्लस ए, यदि हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं तो जो भी मैटर आपके फाइल में होगा सारे मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, मीन्स सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। ये शॉर्टकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक है, इनके माध्यम से आप अपने वर्क को काफी स्मार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नोटपैड में ही, अभी हम देखेंगे F3, जो फाइंड किया हुआ कैरेक्टर है या वर्ड है F3 करके उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है F3। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट प्लस F3, यदि हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो फाइंड प्रीवियस, जो हम फाइंड कर चुके हैं बैक करके हम उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें डेल, हमने कीबोर्ड में डेल को प्रेस किया तो जो सेलेक्टेड मैटर होगा वो डिलीट हो जाएगा, मीन्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें F5, नोटपैड में F5 प्रेस करने पर डेट और टाइम आप डायरेक्टली ला सकते हैं, जो फॉर्मेट लगा होगा वो डेट टाइम आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ हम प्लस साइन को क्लिक करते हैं तो जूमिंग बढ़ता है आपके नोटपैड विंडो में। ये जो शॉर्टकट्स हैं विंडोज 10 के अकॉर्डिंग हैं तो इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस को प्रेस करते हैं तो जूम आउट होता है, मतलब जूम कम होता जाता है। यदि हम कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस कर देते हैं तो जो अगर हमने जूम बढ़ाया हुआ है या घटाया हुआ है तो डिफॉल्ट जूम मतलब नॉर्मल जूम साइज लग जाता है। नेक्स्ट आप देखें, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि F1 एक यूनिक शॉर्टकट है, किसी भी एप्लीकेशन में यदि हमें हेल्प लेना है तो F1 प्रेस करते ही गेट हेल्प का डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। आप देखें अगर आपको फाइल को डायरेक्ट ओपन करना है तो अल्ट प्लस F शॉर्टकट है फाइल मेन्यू का, अगर आपको एडिट मेन्यू ओपन करना है तो अल्ट के साथ हम ई प्रेस करेंगे, एडिट मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा या उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अल्ट के साथ ओ प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू का लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। यदि हम अल्ट के साथ वी करते हैं तो व्यू मेन्यू का आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अल्ट के साथ यदि हम एच इस्तेमाल करते हैं तो हेल्प मेन्यू आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, यदि आप नोटपैड को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम MS पेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उनको हम यहां से देखेंगे। कंट्रोल प्लस F1, यदि हम कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F1 फंक्शन की को हम प्रेस करते हैं तो जो रिबन होता है रिबन को हम यहां से सो हाइड कर सकते हैं। जिसे भी रिबन के बारे में नॉलेज ना हो तो हमारा पेंट का वीडियो जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से प्राप्त करें या कंप्यूटर बेसिक कोर्स की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप वहां से प्राप्त कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस आर, यदि कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो रूलर सो हाइड हम यहां से कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल आर करके हम सो भी कर सकते हैं और कंट्रोल आर करके हम हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें अल्ट प्लस एफ, अभी मैंने पीछे भी बताया नोटपैड में आपको कि अल्ट के साथ यदि हम एफ प्रेस करते हैं तो फाइल मेनू ओपन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट प्लस एच, सॉरी यहाँ हेल्प मेनू लिख करके आ गया, होम ओपन हो जाएगा आपका, अल्ट प्लस एच प्रेस करते ही होम मेनू आपके सामने आ जाएगा, उसका रिबन आपको शो करने लगेगा। अल्ट प्लस वी करेंगे तो व्यू मेन्यू आपके सामने रिप्रेजेंट होकर के आ जाएगा, मीन्स व्यू मेन्यू का रिबन आपको हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल के साथ एन करते हैं न्यू फाइल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस ये सब यूनिक शॉर्टकट हैं। कंट्रोल एन करके हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल ओ करके हम ओपन कर सकते हैं फाइल को जो सेव्ड फाइलें हैं, और कंट्रोल प्लस एस करके हम अपनी नई फाइल को जो विदाउट टाइटल की फाइल है उसे हम सेव कर सकते हैं।
F12 प्रेस करके हम सेव एज कर सकते हैं। अभी आपने देखा पीछे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करके हम सेव एज करते थे, यहाँ शॉर्टकट है F12, तो सेव एज का शॉर्टकट F12 से भी हम सेव एज करते हैं। अलग अलग विंडो में शॉर्टकट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस पी, यदि हमें फाइल को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पेंट से रिलेटेड शॉर्टकट अभी और है हमारे पास कंट्रोल प्लस ई, यदि हमें फाइल की प्रॉपर्टीज जाननी है तो कंट्रोल ई हम प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स यदि हम प्रेस करते हैं तो क्रॉप कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या कोई भी इमेज आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसमें हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब क्रॉप टूल आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यदि हम प्रेस करते हैं तो रीसाइज एंड एसक्यू का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है, जहां से हम एसक्यू कर सकते हैं या रिसाइजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस असाइन या माइनस असाइन, प्लस असाइन करने पर सेलेक्टेड टूल विड्थ साइज बढ़ता है, जो टूल आप सेलेक्ट किए हैं कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो उसकी साइज बढ़ेगी और अगर कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप, यदि हम कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो पेंट में जूम इन होता है, जूम बढ़ता है, पेज डाउन करते हैं कंट्रोल के साथ तो जूम आउट होता है, मतलब जूम कम हो जाता है। कंट्रोल के साथ अगर हम आर प्रेस करते हैं तो रूलर हाईलाइट हो जाता है, सो हाइट करना है तो हम रूलर को हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो ग्रिड लाइंस आ जाती है। फुल स्क्रीन करना है तो F11 हम प्रेस करते हैं, F11 की प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन होकर के आपका आ जाएगा। हेल्प के लिए शॉर्टकट होता है F1, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि F1 एक यूनिक शॉर्टकट है हेल्प का। किसी भी एप्लीकेशन में हमें हेल्प लेना है तो F1 प्रेस करते ही गेट हेल्प का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। तो इस तरह से पेंट के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं, यदि इन शॉर्टकट्स को आप तैयार कर लेते हैं तो पेंट में आप स्मार्ट तरीके से वर्क कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं वर्डपैड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। यहाँ फिर से आ गया कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल, नई फाइल कर लेने के लिए हमें कंट्रोल एन प्रेस करना होगा। फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस करते हैं, फाइल को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी करते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये यूनिक शॉर्टकट्स हैं जो आपको बार बार हर विंडो में रिपीट होते हैं। अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो एग्जिट वर्डपैड एप्लीकेशन बंद हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, मतलब वहां से हम बाहर आ जाते हैं। कंट्रोल के साथ जेड करते हैं तो अंडू होता है, और जो अंडू किया हुआ मैटर अगर उसको रिपीट रेडो करना चाहते हैं, दोबारा लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो कट होगा, ये भी एक यूनिक शॉर्टकट है जो कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस में आपको मिलता है। कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो कॉपी होगा जो सेलेक्टेड मैटर होगा, सेलेक्टेड इमेज होगा या ऑब्जेक्ट होगा। कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा जो कॉपी किया हुआ मैटर होगा या कट किया हुआ मैटर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, यदि हम अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है आपका, वो यहाँ से वर्क में आ जाता है। पेस्ट स्पेशल मीन्स कहने का मतलब है हम कंप्लीट फॉर्मेट करके कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको स्पेशल तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, रिच टेक्स्ट में, पिक्चर मेटा फाइल में, ना आइकन के रूप में हम यहाँ से पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी प्रेस करने पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। थोड़ा गला खराब है तो आवाज बहुत क्लियर नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस एल, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, यदि हमें अलाइनमेंट करना है, व्यवस्थित करना है अपने टेक्स्ट को जो हमने अपने पेज में लिखा हुआ है, तो अगर लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एल करते हैं। पैराग्राफ आपने लिखा, अगर उस पैराग्राफ को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एल। इसी तरीके से अगर सेंटर में रखना है तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते ही अलाइन सेंटर हो जाएगा। अगर राइट में शिफ्ट करना है तो कंट्रोल प्लस आर करने पर राइट अलाइन हो जाएगा। अगर जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब होता है डिफॉल्ट लोकेशन, अगर हम कंट्रोल जे कर देते हैं तो जस्टिफाई हो जाता है। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो पेंट ड्राइंग डायरेक्टली ओपन हो जाएगा आपके वर्डपैड की विंडो में। अगर हमें पेंट में कोई ड्राइंग करना है तो हम डायरेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करके
ओपन कर सकते हैं, वैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जा करके भी हम ओपन करते हैं इसको। कंट्रोल प्लस एफ करके हम फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि पीछे भी आपको बताया गया। यदि हम कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं जो मैटर हमने फाइंड किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। यदि हम कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो जो भी पैराग्राफ होता है पेज पर, जितने भी पैराग्राफ है, कोई ड्राइंग है, कोई इमेज है, सबको हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प प्राप्त हो जाता है। हर एक एप्लीकेशन में F1 गेट हेल्प का शॉर्टकट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो कि आपके वर्ड पैड में आपके वर्क को काफ़ी स्मार्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने आपको शॉर्टकट्स दिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप कंप्यूटर में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, मीन्स माउस को बिना टच किए आप काम को करना चाहते हैं, ज़्यादा काम आप कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं, तो इन इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स के कलेक्शन को आप तैयार कर लें, वीडियो को रिपीट करके देखें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये शॉर्टकट्स की वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, तथा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।